आपने ये सुना होगा कि शंखनाद पूजा के समय या युद्ध के पूर्व किया जाता है। शायद आप प्रतिदिन शंखनाद करते भी होंगे। लेकिन क्या आप शंख और शंखनाद के ज्ञान के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में और आज आप जानने वाले हैं शंखनाद के बारे में। वैम आरंभम कुर्मः। शंख और शंखनाद के उपयोगों के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि शंख होता क्या है। शंख का निर्माण समुद्र में होता है और वो छिद्रान्वेषी होता है। शंख के मुख्य शरीर का समग्र आकार आयताकार या शंक्वाकार होता है। इस आयताकार रूप में मध्य में एक उभार होता है और प्रत्येक छोर पर शंकु होता है। ऊपरी भाग पेंचक आकार का होता है, जबकि निचला छोर मूढ़ और पतला होता है। इसकी सतह कठोर और भंगुर होती है और इसका आंतरिक हिस्सा खोखला होता है। शंख के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वामावर्त, मतलब जो बाएं ओर मुड़ा हुआ है, और दूसरा होता है दक्षिणावर्त, मतलब जो दाएं ओर मुड़ा हुआ है। सिर्फ युद्धों में शंख का इस्तेमाल होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय ग्रंथों में शंख के बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। शंख की ध्वनि ओम के ध्वनि का प्रतीक है। शंखनाद करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। शंखनाद से कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद मिलती है। शंखनाद करने से श्वसन प्रक्रिया में सुधार होता है। शंखनाद से पर्यावरण शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख में रखा गया पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका शास्त्रीय कारण ये है कि शंख में कई धातु होते हैं और वो पानी में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे वो पानी सेहत के लिए स्वास्थ्यमंद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख भस्म का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा होता है। शंखनाद से आसपास के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण सात्विक बनता है। और आपने इस बात पर गौर की होगी कि अगर आप अपने कान के पास शंख को ले जाते हैं तो उससे महासागर की आवाज सुनाई देती है। ये वास्तव में पृथ्वी की प्राकृतिक कंपनें होती है जो शंख में प्रवेश करने के बाद आवर्धित हो जाती है। आपने ये सुना होगा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले सभी महारथियों ने अपने अपने शंखों का शंखनाद किया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सभी महारथियों के शंखों का एक विशिष्ट नाम था? इन शंखों के नाम भगवद गीता के प्रथम अध्याय में दिए गए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवरत्नम धनंजय पौंड्रम धन्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पकौ। इन श्लोकों में श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों के नाम बताए गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। इन सारे कारणों से प्रतिदिन हमें कम से कम एक बार तो शंखनाद करना चाहिए। तो आज आपने जाना शंख और शंखनाद के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।